माधुरी दीक्षित आहे ना, तिचा मॅनेजर होता ग्रीन वाल तेजा. Il venire con l'altra poi perché l'avevo che poniamo lo uso da a gas che ne ho in una cosa che è una cosa che è हमारी तरफ से आपको ऑफर है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आपको हर सहूलत मिलेगी, आपको कोई चिंता नहीं करनी यहाँ की. और वो हमारी मेरी गुफ्तगु सुन रहे होंगे कि मैं उनकी शान में छोटे मोटे अल्फाज क्या बोल रहा हूँ. अल्लाह से प्रार्थना है, दुआ है कि उनको बहुत अच्छे से अच्छे मुकाम में वहां पे रखें. धन्यवाद. चौथे पर आए हैं. एनी मेमोरी वांट टू शेयर रिगार्डिंग नेक्स्ट आपके लिए कोई मेमोरी कुछ? देखिए, मैंने अभी अभी एक ऊपर पढ़ा था, प्रभु जी तुम ही नाथ हमारे, तुम थे उसमें रे, तुम हो नाथ हमारे. उस म्यूजिक डायरेक्टर को बिल्कुल सही ना लगे जब तक वो कहता रहता है कि साहब कुछ और कुछ और कुछ और, तो ये वो थकते नहीं थे. तो ये और एज ए पर्सन कमाल इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे. बस उनके लिए, उनके परिवार के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ईश्वर उनको तो सहन शक्ति दे और नक्श साहब को अल्लाह ईश्वर अपने पास रखे. सी, आई लॉस्ट माय फादर फ्यू इयर्स अगो एंड नाउ आई लॉस्ट हिम एज वेल. सो हाउ यू बिकम अ फादरलेस चाइल्ड, इट्स एग्जैक्टली द सेम फीलिंग. यू नो, मेरे पापा की कमी जब खलती थी तो आई न्यू देयर इज अनदर फादर आई हैव. सो दैट इज देयर, दैट्स अ वेरी बैड फीलिंग एंड इट्स वेरी पेनफुल. एंड उसके अलावा ही वॉज अ वेरी गुड मैन. एक होता ना कि चलो ये आपके ससुर हैं, ये आपके फादर हैं, दैट्स अ
वो एक अलग बात है. बट देन थोरो जेंटलमैन, वेरी नाइस ह्यूमन, कोई छल कपट नहीं, कोई मतलब छलावा नहीं, कोई इधर की बात उधर नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड देन आई पर्सनली फील कि जो एक उर्दू का एक वो जो लिखावट थी ना, उस सदी का, उस युग का अंत ही हो गया. मुझे लगता है दिस इज़ द एंड ऑफ इट, बिकॉज वी ऑल नो किस तरह के गाने लिखे जाते हैं, किस तरह की शायरी आजकल पढ़ी जाती है. नॉट दैट आई एम क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, बट उनका जो लिखने का ढंग था, उनकी जो सोच थी, उनकी कलम में जो ताकत थी, वो कुछ अलग थी. इट वॉज़ बहुत क्लासी इट वॉज़. सो वो तो मुझे लगता नहीं कि कमी पूरी होगी. आई डाउट, आई फील इट्स बेसिकली लॉस्ट ट्रस्ट मी, बिकॉज मैंने अभी तक तो कोई ऐसा देखा नहीं. आई मीन लाइक इवन खयाम साहब सेड कि साहिर जी गए तो लगता था कि चलिए नक्श साहब हैं, वो क्षति पूरी होगी. अब तो ही हैज़ ऑल्सो सेड गुड बाय, एंड आई डोंट सी एनी सच राइटर. और एक युग की समाप्ति हुई है, एक युग समाप्त हो गया है मेरे हिसाब से. आज नक्श लायलपुरी जी वॉज लाइक एन आइकॉन, अ ह्यूज आइकॉन, अ ह्यूज माइलस्टोन वी हैव लॉस्ट. बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े, उच्चतम जो दर्जे के लोग हैं, जो शायर हैं, उनमें से उनका दर्जा वो था. और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ ऐसे, जो मेरा अदर साइड ऑफ माय पर्सनालिटी है कि उसमें एक म्यूज़िक डायरेक्टर है अरुण बख्शी, एक सिंगर है अरुण बख्शी. मेरी पहली एल्बम जो थी मैंने की थी फॉर चंपक जैन जी, फॉर वीनस, वो थी बोल मिटी दिया बाव्या. उसमें उन्होंने 2-3 गाने लिखे थे. आज मैं इनकी तस्वीर देख रहा था और याद कर रहा था, तो उनका पहला गाना जो था उन्होंने लिखा था कि जो डॉटर इन लॉ है टीना खई, इनमें सब जो म्यूज़िक है वो आई थिंक इन्हीं की देन है. और मैं शत शत नमस्कार करता हूँ ऐसी शख्सियत का जिनके साथ मैंने काम किया, मैंने समय गुजारा उनके साथ में, और उनसे मैंने बहुत सीखा. मैंने ही नहीं सीखा, इतने लोग, पूरी जनरेशन की जनरेशन ने उनसे बहुत कुछ सीखा है. हमारी भगवान से प्रार्थना है कि नक्श जी जहाँ पे भी हों खुश रहें, उनको भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे. गॉड ब्लेस यू.